हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे चैनल सौम्याज किचन में स्वागत है। आज बना रहे हैं मसाला पाव। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और इसको आप बच्चों के लिए टिफिन में भी रख सकते हैं। आप ये मसाला पाव की रेसिपी ज़रूर बना करके देखें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करती हूं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला पाव। मसाला पाव बनाने के लिए चाहिए 6 पाव ऑयल, महीन कटी हुई प्याज 1/2 कप, 1/4 कप महीन कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटो केचप 3 टेबल स्पून, 1.5 टीस्पून चीनी, 2 टीस्पून के करीब पाव भाजी मसाला, ऑरेंज रेड कलर ऑप्शनल है, नमक स्वाद के अनुसार, लौंग और दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून, हरा धनिया महीन कटा हुआ 2 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस 1 टेबल स्पून के करीब, अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन ना डालें, 1/2 कप टमाटर महीन कटे हुए और थोड़ा सा पानी। सबसे पहले पाव के छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। इस तरीके से पाव के पीसेस काट लेंगे। और भी छोटे करने हो तो आप और भी छोटे कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे पीसेस काट लेंगे। सभी पीसेस इस तरीके से काट लिए हैं। ये 4 कप पाव के पीसेस हैं। गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह मक्खन भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, ऑयल में प्याज डाल देंगे 1/2 कप। प्याज को करीब 10 सेकंड के लिए सौटे करेंगे। फुल फ्लेम पर ही सब्जियों को पका रहे हैं। अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। 1/2 मिनट तक शिमला मिर्च और प्याज को पकाएंगे। 1/2 मिनट हो गया है प्याज और शिमला मिर्च को कुक होते हुए। अब इसमें डाल देंगे 1/2 कप टमाटर। मिक्स करेंगे। टमाटर के साथ ही डाल देंगे अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। मैंने ये क्रश किया हुआ है। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं या छोटे छोटे पीसेज में काट करके डाल सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप वैसे डाल सकते हैं। नमक डालेंगे पेस्ट के अनुसार, जिससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, 1 मिनट के करीब लगाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए, मैश नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें डाल देंगे पाव भाजी मसाला, दालचीनी और लौंग का पाउडर। मिक्स करेंगे। टमाटो केचप, चिली सॉस, मिक्स करते जाएंगे सभी चीज़ों को। चीनी डालेंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो आप चीनी कम कर सकते हैं। ऑरेंज रेड कलर ये ऑप्शनल है। और साथ ही थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे 1/2 कप के करीब, और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से सभी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए और पानी में जो है उबाल आ जाना चाहिए। कटे हुए पाव को इसमें मिक्स कर देंगे और फटाफट मिक्स करेंगे। सभी मसाले अच्छी तरीके से ब्रेड में मिक्स हो गए हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहे तो इस समय पे 1/2 टीस्पून नींबू भी डाल सकते हैं। मैं इसमें नींबू नहीं डाल रही हूँ। और धनिया को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मसाला पाव बनकर के तैयार है। और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये मसाला पाव बनकर के तैयार हो गया है। ये क्विक स्नैक्स है, आप फटाफट बना करके खा सकते हैं या आप टिफिन बॉक्स में रख सकते हैं। टी टाइम पे, ब्रेकफास्ट में, जब चाहें आप इसको बना करके खा सकते हैं। अब मसाला ब्रेड को एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले पाव बने और बहुत ही टेस्टी बने हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना करके देखें। ऊपर से थोड़े से महीन वाले सेब डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। एकदम स्पाइसी मसाला पाव बन करके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय।